भारतीय सेना से संबंधित हथियारों को खरीदने के मामले में हमारा भारत देश रशिया का सबसे बड़ा खरीदार है। और गाइस, हमारे भारतीय सेना के पास एक से एक ऐसे टैंक है जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों को धूल चटा सकते हैं, और कई दुश्मन देश तो इसकी वजह से खौफ में रहते हैं। गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया अब इतना ज्यादा डेवलप हो गया है कि अब हमारा इंडिया भी टॉप 5 की गिनती में आता है। और अभी वर्तमान में हमारे देश के पास कई प्रकार के ऐसे टैंक शामिल हैं जिसको युद्ध के मैदान में उतरते ही दुश्मनों का पसीना निकल जाता है। स्वदेशी टैंकों के साथ साथ अब भारत भी खुद का अपना मेड इन इंडिया टैंक बनाएगा और भारत सेनाओं के संबंधित हथियार बनाएगा जिसको दूसरे देश में भी बेचा जाएगा। हम इस वीडियो में टॉप 5 इंडियन टैंक के बारे में बताएंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं आगे। नंबर 1, अर्जुन टैंक। अर्जुन टैंक एक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है जो युद्ध के मैदान में एक खास तरह का भूमिका निभाता है। इसे भारतीय सेना के लिए भारत के रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। और अर्जुन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि महाभारत के पात्र अर्जुन, इन्हीं अर्जुन के नाम पे इस टैंक का नाम अर्जुन रखा गया है। इस हिसाब से तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये टैंक काफी ज्यादा खतरनाक है। और गाइस, बात करें इसकी खासियत की तो इस टैंक का वजन 60 टन है, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 3.8 मीटर, ऊंचाई 2.32 मीटर, और इसको हैंडल करने के लिए 4 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है जिसमें कमांडर होते हैं, गनर, लोडर और एक होता है ड्राइवर। इस टैंक को बनाने में बहुत ही ज्यादा मजबूत स्टील का उपयोग किया गया है। इसमें हार्ड लोहे का भी इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से गोले और बंदूक की गोलियों पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो गाइस, अगर इस टैंक को आपको 2 घंटे के लिए दे दिया जाए तो आप ये 2 घंटों में क्या करोगे इस टैंक के साथ? मैं नहीं बताऊंगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से युद्ध के मैदान में ये दौड़ते हुए दुश्मनों को टैंकों को छक्के छुड़ा देगी और दुश्मनों के टैंकों को तहस नहस कर सकती है। इस टैंक में 120 mm की राइफल गन लगी है, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन और NBC प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें शामिल किया गया है। भीष्म टैंक, टी यानी टैंक, 90 यानी 90 के दशक की। इस टैंक को अगर आप चलाएंगे तो इस टैंक को आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला सकते हैं, जबकि उबड़ खुबड़ रास्ते पर आप इसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गोलीबारी करते हुए चला सकते हैं। इसे रूस के नियानी टागिल में फैक्ट्री में बनाया गया है। और जब पहली बार 1992 में जब ये टैंक आया, इसकी गिनती दुनिया भर के कोने कोने में होने लगी। इसको हैंडल करने के लिए केवल 3 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है। इसमें कमांडर होते हैं, गनर होते हैं। इनमें कमांडर सबसे ऊंचे नंबर पे आते हैं। कहाँ निशाना लगाना है, कब गोला दागना है, निशाना कैसे और कब लगाना है, ये सब कमांडर तय करता है। इस टैंक की सबसे अच्छी ये खासियत है कि ये टैंक 2 किलोमीटर के दायरे में हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकता है। इसमें इसके ऊपर एंटी क्राफ्ट गन लगी हुई है। इस टैंक को मैनुअली और रिमोट दोनों तरह से चलाया जा सकता है और इस पे लगी गन 1 मिनट में 800 राउंड बार फायर करती है। इसकी खासियत माने तो वजन मात्र 46 टन, लंबाई 9.63 मीटर, चौड़ाई 3.78 मीटर और ऊंचाई 2.22 मीटर। नंबर 3, विजयंता टैंक। 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच जब लड़ाई चल रही थी तो भारतीय सेना द्वारा इस टैंक को युद्ध में भेजा गया और उस युद्ध में अपने पराक्रम से पाकिस्तानियों सेनाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इस लड़ाई में भारत की जीत हुई थी। इस टैंक की लंबाई 7.78 मीटर है, ऊंचाई 2.71 मीटर। इसमें भी 4 क्रू मेंबर बैठ सकते हैं, पर इसको हैंडल करने के लिए 3 क्रू ही काफी हैं। और गाइस, जब ये टैंक युद्ध के मैदान में एंट्री मारती है तब दुश्मन इसके आवाज से ही डर के भाग जाते हैं। हालांकि पेंटेन टैंकों की धजिया उड़ाने वाला यह भारतीय विजयंत टैंक अब भारतीय सेना में शामिल नहीं है। भारतीय सेना से इस टैंक को 2001 में ही रिटायर कर दिया गया था। हैवी व्हीकल फैक्ट्री में निर्मित विजयंता टैंक गोलीबारी करने के साथ साथ चारों तरफा यानी कि चारों तरफ से घूमते हुए मार करने में सक्षम है। और गाइस, इस टैंक का वजन मात्र 45 टन है, लंबाई 7.78 मीटर, ऊंचाई 2.71 मीटर। नंबर 4, अजय टैंक। रूस ने T-72 टैंक को कई अलग अलग अपग्रेड दुनिया भर में बेचा है। इसमें भारत भी शामिल है और 1973 के बाद इस टैंक को कई बारी अपग्रेड किया गया। T-72 को अपग्रेड के बाद उसे और ज्यादा बेहतर और T-72 से T-72B3 में कन्वर्ट कर दिया गया जिससे इस टैंक की ताकत और ज्यादा उभर के बाहर आ गई है। T-72 या फिर अजय टैंक का नवा वर्जन T-72B3 बेहद ही खतरनाक हथियार के साथ लैस है। इसमें ऑटोलैंड के साथ न्यू 2A46M5 125 mm की समूथ बोरगन लगी हुई है। इसका ऑटोलैंडर टैंक में ऑटोमेटिक गोला को लोड कर सकता है और इस टैंक में दुश्मनों को टैंकों को ट्रैक करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रैकर भी लगाया गया है। न्यू क्लीन फायर कंट्रोलर सिस्टम के साथ साथ कंप्यूटर भी लगाया हुआ है। और इस टैंक को इम्प्रूव करने के बाद T-72 टैंक का न्यू वर्जन वेरियंट न्यू विस्फोट वाले बड़े बम भी फायर कर सकता है। इस टैंक में फुल तेल भर दिया जाए तो ये टैंक बिना रुके हुए 500 किलोमीटर के दायरे में चलाया जा सकता है। T-72 टैंक को भारत का विजयंत टैंक भी कहा जाता है।
जाता है, इसलिए क्योंकि ये कई युद्धों में महारत हासिल की है। जीत दिलाइए, यह बहुत ही ज्यादा हल्का टैंक है जो 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। 1970 के दशक में यह टैंक भारतीय सेना का एक हिस्सा बना हुआ था। और गाइस, इस टैंक में फुल एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्म भी दिया गया है। और गाइस, T-72 या फिर अजंता टैंक की खासियत, इसका वजन है 46 टन, लंबाई 9.63 मीटर, चौड़ाई 3.78 मीटर, ऊंचाई 2.22 मीटर, और इसको चलाने के लिए 3 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। और जब किसी देश में युद्ध छिड़ता है, तब अगर मैदान पे युद्ध किया जाए तो ये जो टैंक होते हैं, ये टैंक ही होते हैं जो कि जमीनी वॉर पे अहम भूमिका निभाते हैं। जमीनी युद्ध के मामले में इन टैंकों का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। नंबर 5, सेंचुरियन टैंक। सेंचुरियन टैंक वर्ल्ड वॉर के बाद का प्राथमिक ब्रिटिश सेना का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 1945 में पेश किया गया था। युद्ध के मैदान का सबसे सफल टैंक माना जाता है इसे, और इस टैंक का उपयोग इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में भी किया जा चुका है, जो कि 1965 और 1971 भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में इस टैंक को इस्तेमाल किया गया था, जिसने अपनी ताकत से दुश्मनों के पसीना निकालने पे मजबूर कर दिया। इस टैंक का खासियत, इसका वजन मात्र 51 टन है, चौड़ाई 3.38 मीटर, लंबाई 7.6 मीटर, ऊंचाई 3.1 मीटर, और गाइस, इसको चलाने के लिए 3 नहीं बल्कि 4 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है।